अब तो स्विच भी नहीं घूम रहा, तो क्या हो गया ये भाई? जैसे तैसे मैंने स्टेयरिंग इधर उधर करके इतना घुमाया स्विच, लेकिन ऑफ नहीं हो रहा। अब ये देखो, ठीक है, ये करा और ये पूरा घूम रहा है। इतने पे सेल्फ ले लेती है, ऐसे करते हैं सेल्फ ले लेती, सेल्फ ही नहीं ले रही, मतलब चाबी फ्री हो गई है, मतलब कुल मिला के। भाई जितना टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज एक फिर नई वीडियो लाए अपनी इंडिगो सीएस से, बहुत दिन बाद आ रही है। भाई अपनी गाड़ी में आ गई है प्रॉब्लम, गाड़ी अभी स्टार्ट है जैसे कि आप देख सकते हो। हुआ ये तो भाई हुआ यूं, जो अपनी चाबी है ना, स्विच तो चालू हो रहा है, सेल्फ जो अपन लेते हैं ना सेल्फ, वो साला फ्री हो गया एकदम, मतलब चाबी ऐसी पूरी हो रही है, सेल्फ नहीं ले रही। सेल्फ वगैरह सब सही है, धक्के से भी स्टार्ट करी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके ये बंद, मतलब हो नहीं रहा, मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैं अकेला ही हूँ, धक्का भी नहीं लगा पाऊंगा, तो इसके लिए भाई मैं चल जा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन के पास, उससे पूछता हूँ क्या है। हो सकता है कि भाई लॉक सेट चेंज होगा, लॉक खराब हो गया उसका, ठीक है, जो भी है वो भाई इलेक्ट्रीशियन बताएंगे जो अपने हैं अमन इलेक्ट्रिकल एमपी नगर में। चलते भाई गाड़ी लेके, क्या करें यार, कहीं मैं जा रहा था एंड टाइम पे ये हो गया, अभी धक्के से ही स्टार्ट करके लाया हूँ मैं। तो भाई आपको भी नॉलेज मिलेगा, और आप भी बताना भाई आपकी गाड़ी में अभी स्विच वाला प्रॉब्लम आया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, चलते हैं अपन। तो भाई आ गए अपन अमन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, और अपनी गाड़ी ऐसे आलू ही खड़ी है। तो अभी तो मैं यहाँ पे चार पाँच लोग आ जाएंगे, अभी कहीं गए, अभी मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी बढ़िया चमचमा रही है अपनी, सब कह रहे भाई गाड़ी बढ़िया चमचमा रही है, क्या हो गया, धक्का लगा रहे हो? तो भाई ऐसे भी करके दिखाता हूँ, नहीं पहले बंद ही कर लेता हूँ, ठीक है। वे बंद भी नहीं हो रही, चाबी निकल गई, ये देख सकते हो भाई, बंद भी नहीं हो रही, ये बंद भी नहीं हो रही, ये चाबी मेरे हाथ में भाई, अब लगता है गियर में ही बंद करना पड़ेगी, थर्ड गियर में। भाई हो गई बंद, ठीक है, स्विच चालू है अभी भी, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ मैं बंद, अब तो स्विच भी नहीं घूम रहा, तो क्या हो गया ये बड़ा लफड़ा हो गया यार इसमें, तो स्विच भी अटक गया। चाबी ये बाहर आ रहा है, स्विच ऑन भी नहीं हो रही, ऑफ, लोग भी नहीं हो रही, ये देख सकते हो आप, ये देखो लाइट जल रही, लोग भी नहीं हो रही, पता नहीं साला क्या गड़बड़ी हो गई यार। भाई जैसे तैसे मैंने स्टेयरिंग इधर उधर करके इतना घुमाया स्विच, लेकिन ऑफ नहीं हो रहा। अब ये देखो, ठीक है, ये करा और ये पूरा घूम रहा है। इतने पे सेल्फ ले लेती है, ऐसे करते हैं सेल्फ ले लेती, सेल्फ ही नहीं ले रही, मतलब चाबी फ्री हो गई है, मतलब कुल मिला के। तो भाई जितना मतलब मुझे नॉलेज है इसका, हो गया स्विच खराब। भाई स्विच पूरा लॉक सेट इसका 10,000 रुपये का आता है, मेरे को पता है। अब देखते हैं, नमाज पढ़ने गए इमरान भाई, जब आएंगे तब देखते हैं क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या इसके जुगाड़। तो भाई आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, भाई आपकी में भी आई है क्या? अभी इसका स्विच भी ऑन नहीं हो रहा, तब तक चालू रहेगा साला, बैटरी भी गड़बड़ खत्म हो जाएगी इसकी, देखते हैं वो आ जाए फिर देखते हैं। लॉक सेट गया, जैसा रहता भाई लॉक सेट अपना इंडिगो का, इंडिगो में तो आता ही है, बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल की वाला, 2013 के बाद जो गाड़ी है इंडिगो, ये नए वाला जिसमें ब्लैक डैशबोर्ड आता है ना, वो ब्लैक हेडलाइट, उसमें तो ये सेंटर लॉक बेस मॉडल से ही आता है, मिंडा का होगा, एक दो तीन चीजें करना पड़ेंगी। अच्छा, तो यार
फिल्मों में बताते वो ऐसे ही स्टार्ट करते थे। ये हो गई भाई क्लच दबा के स्टार्ट। तो भाई फाइनल ये हुआ कि जो इंडिका वाला और जो इंडिको में बिना सेंटर लॉकिंग वाला की लॉक आता है सिर्फ इग्निशन लॉक, वो चेंज कर रहा है। ये कह रहा है आपको दो चाबी रखना पड़ेगी और खर्चा बता रहा है 2000 में आपको कंप्लीट कर देंगे। तो भाई वो ही करा रहे हैं आप फाइनली। ये देखिए लॉक खुल रहा अपना। लॉक में नट बोल्ट नहीं रहते, इसको ऐसे ही निकालना पड़ता है। इस तरीके से खुलता है ये। अब खुल गया, अभी और ठोकना पड़ेगा। निकल गया अपना लॉक सेट। देखो भाई मिंडा का है ये भी, ये लॉक खराब हो गया अपना, चाबी फ्री घूम रही है। कितने पिन वाला है, छह पिन वाला। इसमें इंडिका वाला लॉक लग जाएगा, है ना। ये रहता स्टीयरिंग रॉक। बेलियों की सील लगी यार, ये बेलियों। ये अपना नया लॉक सेट आ चुका है और ये है स्पार्क मिंडा का, जैसे कि आप देख सकते हो इन्हीं ने लेके आए हैं। मैं जाता तो टाटा लेके आता लेकिन अभी मिंडा ही निकल, लेकिन वो थोड़ा एक नंबर क्वालिटी देती है थोड़ी। तो बड़ा था वीडियो बनाना पड़ती है नहीं। चलो गाड़ी विवेन से ला करो, चल कर। मेरे भाई लॉक सेट अपना लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। स्पार्क मिंडा का जो इंडिगो आती है ना, बिना इमोलाइजर की, मतलब इस टाइप की चाबी वाली जो इंडिका में सब में सेम ही लॉक लगता है। तो वो हुआ क्या भाई, जो पुराना था ना अपना, उसका कपलर और जो इसके जो लेके आए थे उसके कपलर सेम थे, कपलर लग गया, लॉक सेट भी लग गया जैसे कि आप देख सकते हो नया वाला। तो ये काम बढ़िया होगा। पहले मैं बटन लगवाने वाला था यहाँ पे, तो वो साला बेकार था, बटन से स्टार्ट तो जाती लेकिन बार बार बैटरी के वायर मेरे को है ना निकालना पड़ते। अब काम ऐसा हो गया कि भाई लॉक सेट डल गया है, अब इससे होगी गाड़ी स्टार्ट। मैंने इसी में लगा ली चाबी नई वाली, मतलब दो आई है इससे इग्निशन, मतलब इंजीनियर का मतलब ये है कि भाई इससे अपना जो है सेल्फ पड़ जाएगा और इससे गाड़ी अनलॉक और लॉक हो जाएगी, अपनी पुरानी चाबी से अनलॉक और लॉक हो जाएगी और बाकी इससे अपना इग्निशन ऑन और सेल्फ लेगी। जैसे कि आपको लगा के ही दिखा देता हूँ। तो भाई ये लगाई अपन ने चाबी, ठीक है। अभी देखो मैं लॉक कर दूंगा ना, लॉक हो नहीं रही अभी, इग्निशन में चाबी लगी, ये पड़ गया सेट, ये गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। ये काम बढ़िया हो गया भाई। खर्चा इसमें अपने को ऐसा आया 2000 रुपये बोल रहे थे और 1900 में उन्होंने फिटिंग वगैरह करके ला के दे दिया, लोग भी उन्हीं ने लेके आए। मेरे हिसाब से 1200-1300 का ये मिंडा स्पार्क मिंडा का आता है, 1000-1200 का आता है। लेबर उन्हें लेना थी 500 लेकिन उन्होंने लिए 1900, ठीक है। चलो अपने को थोड़ा सा मतलब वहीं आते हैं बार बार अब, लेकिन वो ऐसा करेंगे तो फिर आगे से देखते हैं। और भाई आप लोग बताना भाई, मैंने आपको ये बढ़िया बता दिया, आपके पास अगर ये वाली इंडिगो, ये वाली चाबी वाली इंडिगो है और आपका भी लॉक इग्निशन ख़राब हो रहा है, तो आप इंडिका का मतलब लॉक लाके आप सिर्फ ओनली लॉक ही लॉक इग्निशन लाके आप चेंज कर सकते हो खुद ही। अब मैं ये घर पर भी खुद कर सकता हूँ, ठीक है। वीडियो भाई अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। वो भाई पूरा लॉक सेट की अगर बात करें तो 10000 का आता है, तो इससे अच्छा आप ये वाला लॉक लाओ स्पार्क मिंडा का। टाटा का लेना 100-200 महंगा आएगा, मतलब उसमें भी स्पार्क मिंडा ही निकलेगा, लेकिन आप स्पार्क मिंडा का लोगे अलग से तो 1200-1300 में आपको मिल जाएगा और ये आप चेंज करा कर सकते हो आपका, यदि आपका इग्निशन लॉक ख़राब हो रहा है तो। भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो इंडिगो की आती रहेंगी, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मजा आया।